And one thing you are might not be aware that I am also your grandfather. What? Yeah. या वाओ, क्या मतलब? आपकी मदर को मैंने पढ़ाया था कंटेंट राइटिंग, हाँ सो हाँ हाँ टेक्निकली आई एम योर ग्रैंडफादर, यू नो। हाँ एग्जैक्टली सही है सही है। हाँ उस्ताद हैं फिर तो आप, है ना उस्ताद? तो हाँ, या यू राइट, ग्रैंडफादर यू है जी। यस आई एम। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, वालेकुम सलाम। ओके, हाउ आर यू मारिया? बिल्कुल ठीक जी, आई एम वेरी वेल। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर टू। या इंशाल्लाह। ओके, सो हाउ इज गोइंग द लॉकडाउन? क्या चल रहा है आजकल? घर पे हैं या लाइक स्टिल वर्किंग? नो नो, आई एम वर्किंग। अभी तो काम हो रहा है, अभी तो कल तो अनाउंस हुआ है, देखते हैं अब क्या होता है। देयर द थिंग दैट इज अ लॉकडाउन, बट हम देखते रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरीके से होता रहा है और उसका क्या इफेक्ट रहा है। वी हैव सीन इट। So, I don't know what's going to happen. So I how don't do know. you Mujhe... lockdown situation? How do you see this lockdown situation? I mean, like from tomorrow to onward, it's 9 to 2, the markets, and like people are not allowed to work because of all the जो सब हम लोगों ने किया, follow नहीं की SOPs, because of that, you know. नहीं, एक बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप, आपके पास सारे लॉज हैं, आप पूरी दुनिया में आप देखते हैं, लॉ होता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। लोग आम, मैं नहीं कुछ करना चाहती या मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहती। जैसे स्कूल में आप, यू हैव अ टाइम टेबल, इवन इन योर इंस्टीट्यूट यू हैव अ टाइम टेबल। और अगर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 50 साल का हो या 10 साल का हो, वो वक्त पे नहीं आएगा, उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो आई एम श्योर देयर रिपरकशंस। यू विल से कि आप मत आए, आप फेल हो गए हैं ये। बट हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट जितने भी सालों से, 70 साल आप कह लें, मुझे तो करोड़ साल लगते हैं, बट देयर इज केओस। आई डोंट सी एनी सिस्टम इन एनी डिपार्टमेंट। सो सब अलग 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 अपने अपने कबीलों की तरह हम लोग कर रहे हैं। हू एवर कैन गेट अवे विद वट एवर। सो जब आपका यूनिफॉर्म लॉ नहीं होगा और वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो नथिंग इज गोना हैपन। आपने देखा लॉकडाउन में, और हमारे केसेस भी आप देख रहे हैं, आप यहाँ से आधे घंटा घंटा 1.5 घंटा दूर जाएं, दुबई, दे फॉलो रूल्स। अच्छा, आप ये कहें जी हम लोग लोग अवाम, अवाम का कोई कसूर नहीं। आपने उनको रेवड़ की तरह जिस तरह रखा, जिस तरह आप उनको हांकेंगे उसी तरह वो होगा। ट्रू, एक आम इंडिविजुअल, एक आम सिटीजन वॉन्ट्स विल फॉलो द लॉ या इफ इट्स अ लॉ एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड। सीधी सी बात है, कोई हम में से कोई लॉ को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हे वायर है, रैंडम किसी को पकड़ लेना है और रैंडम किसी को छोड़ देना है, तो देन इट्स सिंपल। एक घर का भी एक सिस्टम होता है, एक स्कूल का भी सिस्टम होता है, तो मुल्क का नहीं होगा। तो मुझे ये लॉकडाउन मजाक लगता है, बिल्कुल मजाक। अगर आप पहले लॉकडाउन से गुजर चुके हैं और आपने देखा है जो जो भी हमने एक्चुअली देखा है, सो आप उसे लर्न करके अब कर सकते थे। वी हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग विद द वैक्सीन, वी हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल द अदर थिंग्स, विद आवर एजुकेशन सिस्टम, विद एवरीथिंग एल्स। सो एजुकेशन सिस्टम मुझे हैज सफर्ड डायरेक्शन मोर। नजर नहीं। इट हैज एक तो वैसे ही सफर कर रहा था, ऊपर बिल्कुल से इसकी वजह से एंड पेरेंट्स आर वेरी वरीड कि उनके बच्चों के साल जो हैं वो टाइम इज वेस्टेड, एंड ऑब्वियसली दे गोना गो अ फ्यू इयर्स बिहाइंड इन देयर लाइफ। सो और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। सो एक प्लानिंग होती है और एक आपकी डायरेक्शन होती है कि ठीक है यार, स्लो जा रहे हैं बट वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई जस्ट डोंट सी दैट वी आर जस्ट गोइंग। वो यू टर्न जो है ना, वो राउंड अबाउट बन गया, सबको चक्कर आ रहे हैं मुझे लगता है, जो बार बार यू टर्न हम लेते हैं ना। सो दिस इज अ जनरल फीलिंग दैट आई हैव। और आप जैसे कह रही कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, वो रोड मैप इन्होंने फॉलो किया कि शादियां अलाउ की, इन्होंने एग्जीबिशंस अलाउ किए, धरने अलाउ किए, धरने किए, सब कुछ सब किया, कुछ और अलाउड है ना या जब हाँ, तो इवन सब, तो दूसरा एक बंदा कहता है कि अगर ये है तो अच्छा मैं जाके जरा जाता हूँ यहाँ से, जाके ना जरा कुछ पकड़ के ले आता हूँ यार, मैं फ्लां जाए। और ये जो अभी आप लॉकडाउन कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि 2 बजे के बाद वायरस जो है वो आ जाएगा, और 2 बजे तक जो है वो वायरस नहीं होगा,
और मैंने देखा है जो हमारे फ्रेंड ऑफ माइन, उसने he has a lot of employees, तो उसने अपने ऑफिस का सिस्टम बनाया हुआ था, कम करके उनको शिफ्ट्स में किया हुआ था, बिकॉज यू नो देयर इज अ सिस्टम टू एवरीथिंग, यू नो यू कैन डू दैट, देयर इज आपके हॉस्पिटल्स चलते हैं, नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आई मीन जो भी इंस्टीट्यूशन, आपका भी तो एक इदारा चल ही रहा होगा ना, वो सिस्टम है तो चल रहा है, वरना बंद हो चुका होता. सो तो ये मुझे नहीं समझ आती. आई थिंक कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, और आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट सी अ मेथड टू दिस मैडनेस. कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, बट आई डोंट सी एनी मेथड टू दिस मैडनेस. या दिस इज द ट्रू डिलेमा वी आर फेसिंग नाउडेज. और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आवाम है वो तो चल ही लेगी, वो तो फॉलो कर ही लेती है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स, ये हमारे और द रियासत की है ना, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है, where they don't care about their health, they don't care about education, roti kapda na pani na, I mean Punjab ka hum sun rahe hain wo hal hai when it comes to kachra jo hum Sindh ka sunte the. So what, like yeah, fir kehte criticize na, criticize bhi kya, acha bhi wo bhi nahi karte, theek hai ji, okay. So yeah, true. पैटर्न फॉलो नहीं किया गया पूरे साल के अंदर. नहीं, I don't see any pattern, I don't see any planning, I don't see the concern. I don't see the concern at all. किसी भी department में, किसी भी जगह. और इकबाल ने जैसे कहा था कि इस कौम को तालीम की नहीं तरबियत की जरूरत है, तो हमने वाकई उसका लिटरल मीनिंग ले लिया कि तालीम की जरूरत ही नहीं है, पूरा साल बंद करके. बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल. और फिर आप तालीम का मयार देखें, बहुत मैटर करता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, आप उनको लाइक व्हाट आर यू फीडिंग देम. आप जरा सिलेबस तो निकाल के देखें, तो आई मीन आप एक तो वैसे ही एजुकेशन सिस्टम इज नॉट इक्वल, जाएगा आपके अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स अलग हैं और उर्दू पीले स्कूल अलग हैं. तो जब एक बच्चा गुजरांवाला से या किसी और इलाके से आता है और वो उसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो लायक है, वो CSS का इम्तहान देना है वहां पे या कहीं पर कॉम्पिटिशन, तो वो फेल हो जाते. तो यू नो ये आप टैलेंट को ना ग्रूम कर रहे हैं, ना उनके लिए कुछ रख रहे हैं. आप देख लें, आई मीन अपने स्कूल्स में देख लें, गांव में, छोटे छोटे इलाकों में. सो वो एक ये एजुकेशन माफिया है, वाटर माफिया है, या हर चीज का ही माफिया, शुगर माफिया, हर चीज का तो माफिया बन गया है. ट्रू. सो आई मीन दैट इज द ट्रूथ. आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड नेगेटिव, दैट इज द ट्रूथ. आई एम जस्ट बीइंग अ रियलिस्ट. True. Okay, Maria, so tell us, what was your education and what weaknesses you found in the education system after coming into the workplace? मैं आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ फील होती है ना, एक पूरी आपके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, जैसे आपका मोहल्ला है या आपकी सोसाइटी है या आपका दोस्तों का सर्कल है, खासतौर पे जो एजुकेशन में वो कैसा है, उधर गुफ्तगू क्या होती है. एक तो है ना इंफॉर्मेशन डेटा, अब वी डोंट नीड दैट. यू कैन, यू डिडंट, डोंट नीड अ कैलकुलेटर, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट टाइप एंड यू हैव द आंसर. सो द एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी बेटर देन दैट. आपने टेबल्स रटने नहीं है, दो एकम दो, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू नो. सो यू हैव टू, यू नो, आपकी पूरी दुनिया को देखें ना, इट्स ऑल अबाउट एन आइडिया कैन कम इनटू अ to anybody's mind and it can be executed. कोई भी क्या कहते हैं, किसी entrepreneurs जो बनते हैं, I mean इस चीज को आप ना चैनलाइज कर रहे हैं, ना अपनी यूथ को उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, ना आपके उस तरह के थिंक टैंक्स हैं, ना सवाल नहीं करने दे रहे हमें. बचपन से यही बताया जाता है ना, बस ये बता दिया बेसिक सवाल. आप the culture of asking question, you know, question agar dekhe to usme quest aata hai. Quest means sahi, koshish karna. Quest is, you know, trying to get somewhere. Question, wo nahi karne dete. Even if it's the most absurd, agar koi kehta hai ki ye alamiya kaun hai, ye kya hai, to poochne to do. And ye bata dena ki ye hai, aur bas yehi hai. No. अशरफुल मखलूकात कहते हैं, आप बाकी मखलूकात से, मखलूक से इसीलिए बेहतर है कि आपके पास ये है, लेकिन आपने अपना यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा हुआ. हमें पता ही नहीं है. हम समझते हैं. एंड एक और, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है. आई डोंट नो एनीथिंग. द मोर आई लर्न अबाउट थिंग्स, द मोर आई फील स्मॉल एंड आइसोलेटेड इन दिस यूनिवर्स. आई मीन आई feel that I don't actually don't know anything about my brain, my body,
एनाटॉमी, दिस यूनिवर्स, अ प्लांट, यू नो, एक पत्ता, कुछ नहीं पता है. आप उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, आप बॉडी है, आप उसको डाइसेक्ट करके डाइसेक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट नो इट. यू नो हाउ डू यू डाइसेक्ट द स्पिरिट, वट एवर, वो ये बॉडी आपने सारी कर ली असेंबल, तो उसके बाद यू नो स्टिल यू डोंट नो इट, ये क्या है. आपको एक सेल का भी अभी तक सही तरीके से नहीं पता है. सो फिर आप आई डोंट अंडरस्टैंड के जंग लगा रहे हैं हम अपने दिमाग को, और वो एजुकेशन सिस्टम, वो लोग नहीं है जो आपको लाइक रट्टा लगा के बस आपने पास होना है, जो वो उस्ताद जो आपको अच्छा बेहतर इंसान बनाते थे, यू नो दैट वुड चैलेंज यू एज अ यू. मुकाबला फर्स्ट आना है भाई, क्यों फर्स्ट आना है भाई, नहीं आना क्यों फर्स्ट आना है, सबने फर्स्ट आ जाना है, उससे क्या हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. यू नो आई कोई उर्दू में अच्छा है, कोई अंग्रेजी में, लाइक कोई ज्योग्राफी का शौक हो, लाइक वो जो है ना एक एजुकेशन, वो एक I maybe will have to coin a new word for it because it is not education anymore. So we are not building individuals. We are not, you know, like art. It's an art. Science is also an art. Hum takleek jo hain, wo bhi ek creation hai. To hum art ka ek, you know, we are a result of an art. Aur hum apne aap ko like in every possible way. We are not inspired. We are not creative. We cannot even find कि हमें खुद क्या चाहते हैं. We don't know ourselves. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. You know, वो ही engineer बनना है, वो ही doctor बनना है, वो या नौकरी करनी है. No, you can excel in something else and be unique. You don't have to follow. तो हमारा वो system नहीं है जो उस चीज को push करता है, या you know it doesn't give you that at all. So that portion, that inspiration, and that's to live. We're not living. Ek machine ki tarah chal rahe hain. We're not supposed to be a machine. We are greatest of wo machine humse better ho gayi hain. Humse jo better nations hain, wo jitne bhi jaise they are going towards humanity. Hum to hamari to humanity bhi khatam ho gayi hai. Humne to kutte billi ka khayal nahi hai. So we are losing even that by going back towards stone age. We are like by barbarians or something. तुम तो आइंस्टाइन हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा. तो उसने कहा यार मैं आइंस्टाइन इसलिए नहीं हूँ कि मुझे सब पता है, मैं आइंस्टाइन इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आंसर ढूंढूंगा, पता चला लूंगा, पता चला लूंगा मैं. So, like that is something jo hum log quest had. it's a your life is a quest. Consciously nahi rehte hum. hum conscious nahi hain of life. hum like aadat mein hai ki uthe yaar cup chai pi taiyar hue shower liya ja chale gaye office chale gaye kaam karte rahe. no ye hum ek jaise we are in a zombie ki tarah aap zone mein. consciously jab aap koi kaam kare, consciously even if you are picking up a pencil or a you know to taking something from one room to the other, you do it consciously, the life changes. You know the you know what we need the seriousness of a child. aapne bachcha dekha kabhi jo khilone se khel raha hota hai usko puri duniya ka pata nahi hota, and he's focused on that particular toy or something. wo focus aur wo pleasure chahiye hame apni zindagi mein. that's why we are not happy with anything. we just not we are unhappy all over the world, I would say, because hum apne aap ko nahi jante. mujhe wo chahiye jo shayad tumhe chahiye, lekin mujhe kaise pata hai ki mujhe wo meri need hai wo, and then I want this because I'm ignoring who I am and what I really want. I'm not you know, I'm also a universe unto myself. if one cell is a universe, like ek universe hai aur uska ek cell bhi puri universe hai, to fir aap khud bhi to ek, you know, you're part of that. You're part of that circle. And you know, how can you say you're better than an aunt or a horse or any or a leaflet? So you know, I just feel we don't live consciously, we don't know ourselves. to ek wo bas wo hai na ki river laga hua hai aur bhankte ja rahe hain.
बड़ा मेरा ये ख्याल है कि जैसे आप बात करें कि ये सब चीजें हमारे अंदर डेवलप हो, कॉन्शियसनेस डेवलप हो, अपना सेल्फ इंस्पायरेशन, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप हो, हमारी लाइफ की डेडिकेशन हम लोग डिसाइड करें, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करें. प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, हाउ डू यू वांट टू लिव. वो एवरी इंडिविजुअल, यू हैव योर ओन, आई हैव माय ओन, लेकिन हमने डिटरमिन ही नहीं की बिकॉज प्री डिटरमाइंड है हमारे लिए. ट्रू. मजहब से लेकर, अब यू आर बोर्न इन अ रिलीजन, व्हाई, अब जो भी आप रिलीजन, आप उसको क्वेश्चन तो करें, पूछो तो मैं क्यों, मैं तो पैदा हुआ हूँ उसमें, बट क्या मैं ये रिलीजन अपनाना चाहता हूँ. कितने लोग करते हैं. आई नीड टू, मैं ये मेरा रिलीजन है और मैं इसको इस वजह से इस पाथ को फॉलो करना चाहता हूँ. किसने किया, नहीं, we don't do that. I mean, एक सिंपल सी बात, just born into it and say, हम ये अपनाना, हमने खुद तो नहीं ना उसको adopt किया, हमने खुद तो नहीं उसको किया, तो claim क्या है फिर आपका किसी चीज पे, आपका तो अपनी life पर, अपने नाम पे आपका claim नहीं है, वो भी किसी ने रखा है. आपका religion पे claim नहीं है, आपका किसी चीज पे claim नहीं है, आप you know, it's a, just look at yourself. True. अगर आपको देखें तो आपके पास टाइम नहीं होगा किसी तनकीद करने का कि कौन क्या करता है, क्योंकि आपको खुद भी पता होगा कि अगर मेरी ये नीड है तो किसी और की भी नीड कुछ और हो सकती है. So who the hell am I to question anybody? Yeah, true. This is like everything. You become more tolerant. Yeah, Maria, everything that you are saying, of course, it's not written anywhere in the book. आपने कहीं से पढ़ नहीं लिया जो आप इस वक्त ये सारी बातें कर रही हैं. This is what we learn through the experience. So what's your vision about this, that experienced people should come and join the teaching profession? I mean, just as we see it, the people who are teaching businesses, they are not businessmen themselves. I mean, they've never experienced a business, but they are teaching businesses. Same as like for other fields as well. What do you think? Ki, kya aisa nahi hona chahiye ki jo field experts hain, they should be able, they should be bound might be, they should be, they should become what do we call ke yaar ab ye is kabil ho gaye hain ki now they can come back to the teaching profession. What's your opinion about that? Aap mujhe baat bataiye, har student jo hai, aap school mein padhe hain, to kya aap teacher ban sakte hain? Nahi, no, not everyone. I mean to say ke jo teacher, har insaan teacher nahi ban sakta. True. Har insaan इंजीनियर नहीं बन सकता, हर इंसान कुक नहीं बन सकता. एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नॉट बिकॉज आपने कर लिया ये डिग्री कर ली दैट यू आर यू नो यू कैन बी अ गुड टीचर, यू कैन टीच, यू कैन इम्पार्ट एंड यू कैन मेक 20 पीपल अंडरस्टैंड इन 20 डिफरेंट वेज. इट्स एन आर्ट, साइंस, एवरीथिंग, इट्स एन आर्ट. ऑलराइट, और ये आपको टैलेंट या ये उस तखलीक का हिस्सा है जो आपके अंदर. सो अगर आप वो आप ये तो कर सकते हैं, हाँ जी ये 1+1=2 है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ. ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू सी, दे आर ब्रिंगिंग, दे आर मेकिंग बिजनेसेस ह्यूमन, दे आर ब्रिंगिंग इन द ह्यूमन फैक्टर इन इट, यू नो, हाउ टू मेक योर एम्प्लॉइज हैप्पियर, सो दैट बिकॉज यू नो टू प्रोड्यूस मोर, यू नो, हर जगह देख लिया, उनके लिए आसानियां पैदा की जाती है, बड़े बड़े आदमी, आई एम श्योर यू नो आपने पढ़ा होगा, यू नो एवरीवेयर. So they are trying to, आपके offices उन्होंने green कर दिए, उसको उनके अंदर nurseries बना दी, उसके अंदर आपने उनको environment, gym दे दिए, like ऐसी environment create कर दी, then they are more productive. They don't want to say, ah, I want to go. You know, this is also a psychological way to deal with, you know, employees. Yeah, it's a smart way of doing it. You know, productivity. आप तो आप वो लोग लाएं जो और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, बिकॉज आप इन चीजों को अलग नहीं कर सकते. अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो यू नीड समबडी हू इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ये नहीं है कि आके बस पढ़ा दिया तो फिर तो किताबों में भी लिखा हुआ है, यू हैव इट, बट हाउ टू अंडरस्टैंड एंड टू बी इंस्पायर्ड एंड टू बी क्रिएटिव. एवरी बिजनेस, आप स्टेनो बन के सब टाइप तो नहीं करते रहेंगे ना. अब आप जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप इंसेंटिव दिया जाता है कि भाई आप इतना काम लेकर आओगे तो तुम्हें यू नो यू विल गेट. तो वो जो दिमाग क्रिएट करना है वो कहाँ से आएगा, जो इंस्पिरेशन क्रिएट करना है वो कहाँ से आएगी. पढ़ तो लिया है मैंने, अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊँ, वो आइडियाज कहाँ से आएंगे. वो दैट इंस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट एज वेल विद वॉट एवर यूर टीचिंग. टीचिंग मेथड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अच्छा हम और कुछ नहीं करते तो उनको कॉपी कर लें आप, कि वो किस तरीके से, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर इंटरनेट, आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, आप यू नो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे यू नो टीचर्स के सेमिनार्स क्यों नहीं, टीचर को क्यों नहीं पढ़ाते आप, जैसे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, लोग जाते हैं नई नई चीजें पढ़ के आते हैं कि अच्छा दीज आर द मेथड्स बीइंग अप्लाइड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एजुकेशन.
बाकी तो आप चले जाते हैं कि यू नो रिफ्रेशर कोर्सेज करें. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें. यू नो आई थिंक आई डोंट नो आई डोंट क्योंकि प्रोडक्शन देख रही हूँ ना मैं, क्या है जो हम ह्यूमन बींग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अंदर क्या है. और फिर यहाँ फैसिलिटीज वो नहीं. अगर आप बाहर का बच्चा को पढ़ के आता है, कोई आइडिया लेकर आता है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते. वो हर जगह तो रास्ते बांधे हैं, हर जगह. लाइक व्हेन इट कम्स टू कोई दुकान खोल ली है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर यू नो इट्स नॉट द एटमोस्फियर इज नॉट फैसिलिटेटिंग. तो मैं अपनी जगह करूंगी, मेरे क्या मैं क्या कर सकती हूँ, आप अपनी जगह करेंगे. कलेक्टिव वो एटमोस्फियर नहीं है विच kind of pushes you and helps you grow, you know, in whatever you want to do. So the whole system needs to be redesigned. I mean, the education system plus teachers should get groomed every single year. पहले आप इस चीज को realize करने की जरूरत है. When you realize that you have a problem, then you go to the solution. मुझे लगता है कि हमारे पास वो अब हम पहले जैसे लोग बैठते थे, discussion होती थी. वो चीज चली गई है. अब हम लोग अपने अपने phones पे people sitting together discussing and having heated arguments opens up your mind to other people's ideas. Hum sirf Twitter aur us pe ja ke logon ko galiyan dete hain because hame koi pakad nahi sakta uske upar. So the whole system has changed aur wo basically wo aapke ghar se aur school aur ghar aur teacher aur maa aur ghar usse hoga. Wo wahi se because the unit matters. The unit matters. एक बात तुम्हारी आपने बिल्कुल ठीक कही है. द फर्स्ट थिंग इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, ओनली देन वी कैन सॉल्व इट. हम लोग क्या कर रहे हैं उसको सॉल्यूशन लेकर आते जा रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो ही हमें पता नहीं है. आई मीन आई फील लाइक दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इवन इमरान खान इज फेसिंग, क्योंकि उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया. जस्ट लाइक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट पर्सन हु सेड दैट कोटेशन, आई बिलीव सो इट वाज द आइंस्टाइन हु सेड, इफ यू गिव मी 60 मिनट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई वुड प्रेफर टू स्पेंड 55 मिनट्स टू डिफाइन इट. Because once I'll define it, I can solve it in 5 minutes. So, हमें problem कहीं नहीं पता. Missing in our system. अब जैसे अब क्योंकि ये जो हालात है इसमें हम ज़ाहिर है आप kindergarten से शुरू नहीं कर सकते. If you have these whatever classes you have, उसके अंदर basically दिमाग को खोलने का है. आप सिखाएं आपका जो भी course है, लेकिन आपने हम बहुत बंद लोग हैं. बंद हमने हम घुटे में हम घुटे में हैं, इसलिए हम अंदर से वो नफरतें भी ज्यादा हैं. यू नो वो एक यू नो खिंचाव है. यू हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू बिकम फ्लूइड, यू हैव टू बी ऑल राइट विद थिंग्स. तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी है कि व्हाइल यू आर टेलिंग देम व्हाट क्रिएटिव राइटिंग इज, और व्हाइल यू आर टेलिंग देम कि व्हाटएवर कोर्सेज यू हैव, आप उनको जो आपके obviously I'm sure you have जो आपके students हैं वो like adults हैं सारे. Yeah, they are. So have these conversations where वो bias और वो hate जिससे हम चिपके हुए हैं वो निकले. You know उसकी that would be a great thing for you guys to do. You know वो जंजीरें आप उस तोड़ें जो दिमाग में जिससे हमें जकड़ा हुआ है. And you can do it at any anywhere, you know. हमारे पास और कोई तरीका नहीं है ना. अब हम kindergarten से तो शुरू नहीं कर सके, हम पूरा मुल्क तो नहीं चला. So whatever you can do at whatever, whatever is, you know. तो और वो जाहिर है शुरू में आपको वो resistance मिले कि नहीं मैं तो इस बात को believe कर रहा हूँ. Believing not believing actually is the same thing. It's not believing is also a belief, and believing is a belief. So not believing and believing in itself is the same thing. True. Allah है, Allah नहीं है. दोनों beliefs हैं. ठीक है? How do you know? Question it, whatever. Not anything in your life. मुझे लगता है. भाई तुम्हें कैसे लगता है? Who are you? And the more you know, the more you realize that you don't know. So say it, I don't know. उससे लड़ाई नहीं होगी. आप कहते हैं I believe in this. मैं कहती हूँ I believe in this. तो लड़ाई हो गई हमारी. If you say I yeah, I say acha how, either you will, you know, I would like to know what you're saying, maybe I'll have a new idea, maybe I will convince, but main kahungi no I believe in this, to baat to wahin par khatam ho jata. To stop saying these words, stop like not ke mujhe pata hai main believe
एंड इट्स अ प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन और अदर थिंग्स जो आपको ये टूल्स हेल्प करते हैं, तो वो आपको अप्लाई अपने ऊपर करते हैं, इट बिकम्स मच इजियर. Yeah. You know, your existence becomes much easier for other people as well. True. Maria, like just as you were saying that there are like education system needs to be redeveloped, the teacher system, and also what do you think? What are the skills that we should also be teaching to the students when they are learning, when they are in the institutions? Because most of the time they learn when they leave the institution and they go to the workplace, they jump into the real marketplace. Over there, they start theory. Yeah, theory. आपकी होती है. मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको बताऊँ सच्ची बात है. जो सीखा है practical life मुझे अभी तक मैं unlearn कर रही हूँ. कहीं चीज़ apply नहीं होती. सच बोलो, सच बोलो. ये सर ID card तो आप बना नहीं सकते without रिश्वत and झूठ. So आपको when you're teaching them whatever. You know, you have to make them realize. You see, I think, look, dekhen, aapka jo dil chahta hai, aapne sharab peeni hai, sharab piye, aapne dhanda karna hai, aap dhanda kare, aapne rishwat leni hai, aap rishwat le. Ek baat realize karne ki whatever you do will have a consequence. You should be ready for that. Theek hai? Kuch bhi, you know, agar main kahin der se kaam pe pahunchti hu, to uska consequence hai. Am I ready for that? Take responsibility for that. फिर आप जो मर्जी करें, जा रहे हैं आपकी मर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपने क्या करना है. कॉन्सिक्वेंस है उसका. आप किसी को मर्डर करते हैं या चोरी करते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस. Are you ready for that? तो आप सोचेंगे ना, जब आप कॉन्सिक्वेंस का सोचेंगे तो शायद आप कहेंगे नहीं यार ये मैं नहीं करता. लाइक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कार्मा. कार्मा इज मीन्स एक्शन. You know, it means action. You are what your karma. Karma means कि आप जो action करेंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा. ये नहीं है कि जी वो कहीं आगे से जाके किसी अगले जन्म में जाके मिलेगा या पता नहीं क्या होगा. It is simple. What you do, you उसका आपको जवाब मिल जाएगा, reaction मिल जाएगा. You do something bad, just the consequence. You have to take responsibility for it. आप जो मर्जी करें, मैं आपको who am I to say anything? You are. You have a brain and you should use it or take decision. Because you know, आप broke के तो नहीं किसी को रख सकते. आप TikTok बंद करेंगे, आप कहेंगे YouTube बंद कर दो, फांसी फैल रही है. Rape तो आपके बुरके वाली खवातीन भी हो रही हैं और 6 महीने का बच्चा भी हो रहा है. So because these people are not taking responsibility of the consequence and they're not afraid. Government is not giving them ना law है ना implementation है. Consequence नहीं है. True. हमारे मुल्क में consequence नहीं है जिसकी वजह से ये भी है ना कि तो बीमार है मेंटली, तो उसके लिए भी कुछ नहीं है. उसको भी आप जेल में बंद कर देंगे. तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में एजुकेशन, ये एजुकेशन है बेसिकली, नॉट किताबें, कि आप कॉन्सिक्वेंस करें. तो आप प्रैक्टिकली ये वाले सवाल जब लोगों के दिमाग में डालते हैं, समटाइम्स द आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द क्वेश्चन इज इटसेल्फ द राइट क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड. यू हैव टू आस्क द राइट. यू हैव टू. टीचर का ये भी काम होता है कि वो सही सवाल जो है ऐसा सवाल करे कि वो पीछे रह जाए और आप सोचते रहे, चाहे 6 महीने बाद आपको आंसर मिले. यू नो, यू हैव टू टीज देम, यू हैव टू पोक देम, यू हैव टू यू नो एक्साइट देम. या क्यूरियोसिटी. यू नो एग्जैक्टली. जैसे आपने शुरू में फरमाया कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम कॉन्सिक्वेंस की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टेक्स अस टुवर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस और वही हमें अलाउ नहीं है. आई मीन आई वंस लर्नड वन टू टू डिफरेंट डेफिनेशंस. वन इज डिसिप्लिन एंड वन इज मैक्सिम्स. डिसिप्लिन कहता है कि आपने ये काम करना है, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से बैठना है, बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना है, आपने झूठ नहीं बोलना, ये डिसिप्लिन कहता है. मैक्सिम्स कहते हैं यू लेट देम नो अबाउट बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हाट दे आर गोइंग टू फेस. आई मीन अगर वो झूठ कॉन्सिक्वेंस नहीं होते तो बोलने दो उनको झूठ. आप बच्चे को नहीं कहते कि यार बच्चा चलना सीख रहा है, गिरेगा, चोटें लगेंगी, लेट देम. बच्चे करते हैं ना, खेलते हैं, गिरते हैं, उसमें तो आप ये करते हैं. तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स का जो भी कोड है या जो भी सिस्टम है वो वही है. वो वही है जो इन एट डिफरेंट पॉइंट्स बड़ा या कम या ज्यादा होता जाता है, जो उसकी शक्ल चेंज होती है, बट बेसिक फॉर्मूला इज द सेम. इट्स द सेम एंड इट्स सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट. बट हम उसको इसलिए कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि हमारी बेस ही सही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है. वी डोंट थिंक, वी आर नॉट अलाउड टू थिंक, दैट इज इट. हां,
तो जब ये ब्रेन वॉशिंग है, ये वही है जिसमें आप जो है ब्रेन वॉश करके पूरी की पूरी कॉम को एक तरफ ले जाते हैं, या यू नो यू यू गिव देम दैट के जी बस ऐसे ही करना है. जहालत इसी को कहते हैं ना, कि आप बस किसी के पीछे लग जाए, पाइट पाइपर के पीछे. बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं लीडर के पीछे सब कुछ कर दूंगा. अरे अकाउंटेबिलिटी तो देख लो. आई मीन अंधी मोहब्बत लाइक उसका कॉन्सिक्वेंस है कि भाई ये जो कोई भी आपका पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी आपका रिलीजन जो भी कह देगा वो ये आसान है काम. आपका रिलीजन भी आपको म्याना रवि सिखाता है स्ट्रेइंग इन द मिडल. वो ये नहीं कहता कि आप एक्सट्रीम पे जाएं. इट इज इन योर रिलीजन. आपने म्याना रवि दरमियान में रहना है, बैलेंस रखना है, मॉडरेट होना है, मॉडर्न होना है. मॉडर्निज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड. इट हैज नथिंग टू डू विद मिनिस्कर्ट. सो योर रिलीजन इज टेलिंग यू कि आपने रिलीजन की एक्सट्रीम पे नहीं चले जाना है कि आप अपने फर्ज भूल के तो आप हुजरे में बंद हो जाएं और अल्लाह अल्लाह कर लीजिए, और बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना. सो अगेन इट्स मॉडरेशन, इट्स बीइंग इन द मिडल. सो दैट्स इट विद एवरीथिंग. यू हैव टू बी सो डूइंग थिंग्स कॉन्शियसली, इवन ड्रिंकिंग वाटर कॉन्शियसली. फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर कॉन्शियसली और ईटिंग कॉन्शियसली, और यू नो बेसिक जो आप काम करते हैं, इवन ब्रशिंग योर टीथ कॉन्शियसली. You're doing it, so you do it properly. करके जो हम that's what we do. Yeah. आपको formalities it will change. True. Yeah, you are right. Even Quran Pak में है कि गौर करो. हमें उसका बताया गया कि हमें गौर करना है, लेकिन वो हम लोगों को के अंदर आदत नहीं है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि why don't you come back to the teaching side? मैं teaching side back कैसे? मैं तो नहीं. I mean, you can teach. Acting might be. You can yourself become a motivational speaker. The way you are saying, we lack motivation, we lack inspiration. So we need people. बिल्कुल. मुझे देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह की चीजें कोई होती हैं, कोई conferences होती हैं, या कोई इस तरह के colleges और universities में होता है, तो मैं जब भी time होता है तो मैं चली जाती हूँ. Like I go. लेकिन come. I mean like according to my schedule. But I'm not. I'm open to the idea. You know, we can have a conversation. Conversation नहीं करनी है ना, कोई वो तो नहीं है आप students के साथ बैठे, बल्कि आप Zoom पे कर लें, आप किसी तरह भी बैठ लें, सवाल पूछें. बिल्कुल. और it is all right if the person you asking doesn't have the answer. It's not a कि जो आपका teacher है उसके पास सारे जवाब होंगे. No, the teacher is supposed to tell you the method to get to the answer. He is not supposed to give you the answer. Yeah, you are supposed to find the answer. That is it. आप समझते कि नहीं इसको पता होगा कि अलिफ बे के बाद क्या आता है. No, it's a method. आपको hunting सिखाई जाती है, so that you can hunt for yourself. आपको ला के नहीं दिया जाता. Yeah. जानवर भी देखने आपको, आपको education is in a weapon. You're equipped with. These are, you know, your equipment है आपके लिए to live. तो आप कहते कि नहीं ये लो जवाब ले लो. जवाब तो ढूंढना है. True. Good. Okay. So, अब बस कुछ suggestions दे दीजिए end के ऊपर. वो लोग like let's suppose the new generation who are coming into your field or they are going to any field. So, what are your suggestions to those people who are coming to the marketplace? मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले तो it is very very important कि just because you want to जब when I joined this तो मैं मेरे बिल्कुल ज़हन में नहीं था कि आप famous होते हैं इसके साथ पैसे attached. Okay. I was so interested in the process that I loved doing it, you know, and everything else followed because I was interested in doing it. And मैं छोड़ दूँगी जब मेरा interest इसमें से खत्म हो जाएगा. मैं बहुत सारे projects नहीं लेती जो मुझे नहीं अच्छे लगते, like मजा नहीं आता जिसमें कुछ करने भी पड़ते हैं. But सबसे पहले तो you have to वही कि आप अपनी जो भी आपने you have to education भी वही कि जो आप करना असल में चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं. You have to be honest with yourself. अगर आप ये काम, क्योंकि कोई भी काम है ना, कोई भी इट इज ग्रूलिंग, आप लॉन्ग आवर्स मेहनत, आई मीन इट इज डिफिकल्ट. कोई भी काम, यू नो वेदर इट्स राइटिंग, क्रिएटिव वर्क और अदरवाइज, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या माइंड में. सो फर्स्ट फाइंड आउट हु यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू डू. आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डिजाइनर बन जाऊं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पेंटर बन जाऊं. फाइंड आउट व्हाट यू हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू. जो काम आप एफर्टलेसली कर सकते हैं और पूरी रात जागते रहे और करते रहे, आपको नहीं पता चला कि रात गुजर गई है, एंड आप यू सो इन्वॉल्व्ड इन इट, यू नो
वो ढूंढें सबसे पहले, फाइंड दैट, क्या आप फेमस होने के लिए करना चाहते हैं तो उल्टी सीधी लगा दें वीडियोस, आजकल तो यही चल रहा है, आसान है. टू बिकम फेमस यू जस्ट हैव टू बी इनफेमस, यू नो. सो दैट्स नॉट अ लाइक आई डोंट फाइंड दैट एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव. फाइंड आउट हु यू आर, क्या आप एटलीस्ट आप कर सकते हैं, यू नो, ट्राई डिफरेंट थिंग्स. यू वांट टू डू एनी एनी फील्ड, उसको पढ़ के तो देख, उसको पढ़ के देखो, इंटरेस्ट है, हिम्मत है, जो चीज एफर्टलेसली कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो खुद ब खुद हो जाएगी. बट यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू गुड. फाइंड दैट. वो आके आपके सामने बहुत कम होगा कि प्लेट में रखी जाएगी, और फिर आपका फिर वो एबीसी से स्टार्ट होगा प्रोसेस. इजी नहीं है, और इजी नहीं है इसलिए रिवॉर्डिंग होगा, क्योंकि अगर आपको इजीली कोई चीज मिल जाएगी तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती. यू हैव नॉट इन्वेस्टेड मच इन इट, आपके लिए उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत नहीं है. कुछ भी, कुकिंग करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, आर्ट है, मेहनत है, बहुत, लाइक यू नो, व्हाट एवर इट इज. The people who are looking for shortcuts nowadays. I mean, how do you see the शॉर्टकट्स, shortcut? एवरी शॉर्टकट्स से आप पूरा प्रोसेस लर्न नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं वही है कि आप अधूरी अधूरा होगा, जो भी होगा उसका प्लेजर भी अधूरा होगा. बिल्कुल. अपने आप को, जब आप अपने आप को समझेंगे कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ और ये मैं नहीं करना चाहता, तो थिंग्स विल चेंज. अदरवाइज एवरीबडी वॉन्ट्स शॉर्टकट्स, एवरीबडी, फिर वो आप परेशान ही रहते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं. बिकॉज जो आपको चीज चाहिए, जो वाकई चाहिए, वो आपको पता ही नहीं है. एग्जैक्टली. और जैसे आपने कहा कि प्रोसेस प्रोसेस लाइक आई फील लाइक हम उस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को भूल रहे हैं. आई मीन इफ समवन इज सक्सेसफुल तो वी वांट टू बी एट दैट स्टेज. वो एक प्रोसेस से गुजरा है और उस प्रोसेस को बिल्कुल हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा. उस प्रोसेस की बिल्कुल इंपॉर्टेंस को इग्नोर करके वी कांट रीच टू दैट लेवल. हम उसको कॉपी तो कर सकते हैं, माइट बी उसके जैसे गाड़ी लोन लेके भी ले सकते हैं, माइट बी ले उसके लें. हाँ नहीं, बट वो या प्रोसेस नहीं, आप वो प्रोसेस इज द बेथिंग. मैं जैसे हम मैं कहती थी कि हम जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो कहती हूँ कि लुक, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस सेट पर काम कर रही हूँ ना, आई एम हैविंग अ गुड टाइम डूइंग माय जॉब एंड विद माय पीपल. आई डोंट केयर कि ड्रामा हिट होना है कि नहीं होना, क्योंकि क्या होना है और आई रेटिंग क्या आनी है. मैं कभी नहीं ना सोचा, ना मैं कभी सोचू भी, तो मैं आई जस्ट शन इट. आई सेड नो, माई प्रोसेस शुड बी गुड. मैं उठ के आई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वर्क, और ये ना क्या होगा, और आई गुड गुड. डेज बैड डेज तो होते हैं, बट लाइक एसेंशियली यू शुड बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग. माई प्रोसेस ऑफ माई वर्किंग विद माई टीम एंड ऑन द स्क्रिप्ट एंड ऑन द वर्क, इट कैन बी हेक्टिक, लाइक गर्मी में काम कर रहे हैं, ऑल दैट, वो सारी प्रॉब्लम्स आ चल रही होती है, लेकिन ओवरऑल यू वॉन्ट टू डू इट. तो वो चीज जो है वो डिफरेंट है. I mean, the process should be interesting enough for you to be a part of it. That's true. Otherwise, you know, and I see that the youth is really not. वही बात कि आप अपने अंदर invest नहीं करते. You should invest in yourself. You should invest time in your time अपने अंदर invest करें. अपने आप में जितनी आप investment करेंगे, that is going to be rewarding. That's great. Well, Maria, thank you so very much for your time. And trust me, it was worth listening to you. Every single word, every single thing that you have shared, I feel like this is what is the real missing piece of the cake. I mean, that is not there out there in the society and in our education system as well. Thank you so very much for your time, Maria. Take care. Most Stay welcome. It blessed. was a Allah pleasure. bless.